Hi all, welcome back to my channel. This is Sakshi Sundriyal, chilling and having her coffee. And today I am here with a movie review. My first movie review on my channel. Aur abhi maine recently movie dekhi hai Taapsee Pannu ki Thappad, which is amazing movie that I've seen so far. और मूवी का मैसेज बहुत अच्छा है. वैसे आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि व्हाट मूवी इज़ ऑल अबाउट. तो मूवी के ट्रेलर में तापसी पन्नू पे उसका हस्बैंड सरेआम पार्टी में हाथ उठा देता है, थप्पड़ मार देता है और तापसी पन्नू डाइवोर्स फाइल कर देती है, जिसमें उस पर लोग काफ़ी सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा क्या होगा और एक थप्पड़ के लिए तुम डाइवोर्स फाइल कर रही हो. बट शी सेज यस, एक थप्पड़ लेकिन वो नहीं मार सकते. Because he don't have the right to hit her. और so जब मैं ये movie देख रही थी ना, तो काफ़ी लोग आपस में discuss कर रहे थे और मतलब comment कर रहे थे, discuss कर रहे थे कि ये movie काफ़ी exaggerated है. लोग बोल रहे थे कि तापसी पन्नू is doing and being too much in this movie, because एक थप्पड़ ही तो था. जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा थप्पड़ वगैरह सब चल जाता है, it's okay. एंड पीपल वर सेइंग दिस इज़ सो नॉर्मल. इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया है इसमें. कुछ लोग तो बल्कि ये भी बोल रहे थे कि ये रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं होता, मतलब कोई लेडी एक थप्पड़ के लिए डाइवोर्स फाइल करने नहीं जाएगा. दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक. यस ब्रो, दिस इज़ वेरी 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 अनरियलिस्टिक, बिकॉज वी द वुमेन ऑफ इंडिया आर टॉट कि कॉम्प्रोमाइज़ करो. इफ यू वॉन्ट टू रन अ रिलेशनशिप और इफ यू वॉन्ट टू रन अ मैरिज, जस्ट लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़. थोड़ा सहना पड़ता है, थोड़ा सहना सीखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो. हर चीज़ पे गुस्सा मत हो, तुम्हें रिश्ता चलाना है, क्योंकि अगर डाइवोर्स हो गया तो तुम तलाकशुदा के अलावा यू विल बी अ डाइवोर्सी लेडी. लड़का तो दूसरे से शादी कर लेगा, लेकिन तुमसे कौन शादी करेगा? तुम पे तो टैग लग जाएगा ना कि तुम डाइवोर्सी हो. एंड इट्स अ टैबू इन आर कंट्री. बीइंग डाइवोर्सी इज़ अ टैबू इन आर कंट्री. बहुत बड़ा इशू हो जाता है, समाज में इज्जत नहीं रह जाती है अगर कोई लेडी लड़की डाइवोर्सी हो तो. खैर, मूवी का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों का ना कभी ध्यान ही नहीं गया इस चीज़ पे कि अगर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी आजकल खैर मारने लग गया है और हस्बैंड वाइफ को मारता है, तो हम सबको ये लगता था कि इट्स वेरी नॉर्मल. थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बोला है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए. आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी आपको यही बोला होगा कि थोड़ा बहुत चलता है और ये तो सहना ही पड़ता है, लड़कियों को बहुत सहना पड़ता है, लड़कियों को बहुत देखना पड़ता है वगैरह वगैरह. नॉट जस्ट आर पेरेंट्स बट आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आर रिलेटिव्स एंड सब लोग यही बोलते हैं कि थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता है. नहीं सहना पड़ता. दिस इज़ व्हाट दिस मूवी सेज़, कि नहीं सहना पड़ता. बिकॉज जब उसने, हाँ एक और कमेंट आया था जब हम थिएटर में थे कि यार उसको पब्लिकली नहीं मारना चाहिए था, अकेले में मार लेता. एज इफ अकेले में मार लेता मैं इज्जत नहीं जाती. बिकॉज यार व्हाट इज पब्लिकली नहीं मारना चाहिए था, अकेले में मार लेता यार. हॉरिबल, दैट कमेंट वॉज वेरी हॉरिबल. सो द मूवी इज अबाउट कि इफ यू हैव मैरिड अ पर्सन, यू डोंट हैव द राइट, इट डजेंट गिव यू द राइट टू हिट द पर्सन. जस्ट बिकॉज तुमने उससे शादी करी है डजेंट मीन तुम उन पर हाथ उठाओगे, क्योंकि शादी इज अबाउट लव बट रिस्पेक्ट एज वेल, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के मर्द थोड़ा भूल जाते हैं. तो मूवी में यही बताया गया है कि रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होती है. और आज वो तुम पे थप्पड़ मार रहा है, कल वो तुम्हारी रोज़ पिटाई करने जाएगा. लाइक आज वो तुम पे लाउड हो रहा है, कल वो तुम पे थप्पड़ मारेगा, परसों तुम्हारे साथ रोज़ मारपीट करने लग जाएगा. खैर, मूवी का मैसेज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है. और जो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे ना मूवी हॉल में, सर ये मूवी आपके लिए है, मैम ये मूवी आपके लिए ही है, बिकॉज वी ऑल नीड टू लर्न दिस कि शादी करना इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, इट्स अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट एंड इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. और इस मूवी में सिर्फ तापसी पन्नू ही नहीं, एक और कहानी बताई गई है उसकी मेड की, जो रोज़ घर जाके अपने हस्बैंड से पिटती है. उसका हस्बैंड उसे डेली बहुत बदतमीजी से उससे बात करता है, उसे बहुत बदतमीजी से ट्रीट करता है, उसको रोज़ मारता है. उसकी कहानी भी उसमें दिखाई गई है. और एक काफ़ी पढ़ी लिखी लॉयर, द लॉयर हु फाइट्स द केस फॉर तापसी पन्नू इन दिस मूवी, वो भी उसमें दिखाई गई है कि शी मैरिड, अनफॉर्चुनेटली शी मैरिड अ गाय हु
was a big news anchor and very famous news anchor, reporter probably, or just because that lady gets famous and very well-known lawyer, the guy, uska husband, starts telling her ki tumhara kaam isliye recognize kiya jata hai kyunki tum meri wife ho, because you are Mrs. XYZ, that's why you got this reputation. इसलिए तुम इतनी famous lawyer बनी हो, and मतलब वो पूरा credit खुद को देता है कि क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी wife हो, इसलिए जो तुम हो सिर्फ मेरी वजह से हो. So movie काफ़ी अच्छी है, it's a must watch. Cast काफ़ी नया है, सारे नए faces देखने को मिले हैं, और acting सब ने काफ़ी अच्छी करी है, बहुत ही प्यारी acting है सबकी. Direction is very nice, storyline is very nice, of course message is too good. और इट्स अ मस्ट वॉच मूवीज. सो अगर अभी तक आपने प्लान नहीं बनाया है मूवी देखने का, जस्ट गो एंड वॉच इट यार, इट इज़ अमेजिंग मूवी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय.